नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र और आप देख रहे हैं एमके एग्रीकल्चर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की खेती में तरबूज के फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसा कि आप ये अभी पौधा देख रहे हैं किस प्रकार से हेल्दी दिख रहा है और कुछ जगहों पर फूल भी आना प्रारंभ हो गया है, तो आज हम बात करेंगे कि जब तरबूज फूल की अवस्था में होती है तो हमें इस पर किस प्रकार के दवाइयों को जो स्प्रे या इस पर छिड़काव करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जैसा कि अभी पौधा फूल की स्थिति में है, जब पौधा फूल की स्थिति में हो तो हमें इस पर जो है NPK 052-34 का जो है इस पर हमें छिड़काव या स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जब पौधा फूल की स्थिति में होती है तो पौधे को फास्फोरस की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि फास्फोरस जब पौधे को मिलती है तो इनके जड़ों का विकास होता है, और जड़ जो है जितना तेज़ी से विकास करेंगे आपका पौधा उतनी तेज़ी से ग्रो भी करेगा। किसान भाइयों, इस प्रकार आप जो है 052-34 का उपयोग फूल आने की प्रारंभिक स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि जब पौधा फूल की स्थिति में होती है तब पौधे को फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है, और NPK 052-34 में नाइट्रोजन की मात्रा 0% होती है, और इस स्थिति में पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, और जो भी नाइट्रोजन चाहिए होता है वो पौधे को जो है पर्यावरण से मिल ही जाता है, और इस स्थिति में पौधे को फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि 052-34 में फास्फोरस की मात्रा जो है 52% है। तो आप जो है फास्फोरस की 052-34 का उपयोग आपको करना अनिवार्य है, इससे आपका पौधा और हेल्दी होगा और जो फूल होंगे वो भी बिल्कुल हेल्दी होंगे, और आप जो है प्रति एकड़ जो है 1 KG के हिसाब से आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो अपने किसान भाइयों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह से नए वीडियो के अपडेट के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।